नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। छिंदवाड़ा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस और परिवहन विभाग का अमला सवारी वाहनों की सघन चेकिंग करने अभियान चला रहा है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अमले ने शहर केएलजी चौक सत्कार प्रहार न्यू बस स्टैंड परासिया रोड और सौसर में कार्रवाई की। इस दौरान बिना परमिट और ओवरलोड सवारी वाहनों को जब्त किया गया। इसी दौरान सवारी ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी सफर करते मिली। परिवहन व यातायात अमले ने ऐसे 31 वाहनों को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है। इन प्रकरणों में को न्यायालय में पेश किया जाएगा। वही ऑटो चालकों का कहना है कि हमारे कागजात कंप्लीट होने के बाद भी आरटीओ द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कोरोना बाद हम लोगों को परिवार चलाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब गाड़ी की किस्त पटाए या घर का पूरा करें। कार्रवाई को देखते हुए आरटीओ कार्यालय में परमिट के लिए वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। एक दिन में रिकॉर्ड 83 वाहनों के परमिट जारी किए गए। इसके अलावा आवेदनों की भी लंबी कतार लगी हुई है। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। लगातार कार्रवाई चल रही है, जैसा आपको पता ही है। ऑटो वालों को समझाइश भी दी है, पहले सभी को संचालकों को यहाँ बैठक ली गई थी डीएसपी ट्रैफिक और हमारे द्वारा। लगभग एक महीना हो गया समझाते हुए कि बिना वैध परमिट के न संचालन करें, क्योंकि कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है। इसी तारतम्य में कल 26 ऑटो जब्त किए गए थे, अभी तक 8 ऑटो जब्त किए गए हैं। कार्रवाई मैम, कार्रवाई कंटिन्यूटी चालू रहेगी? बिल्कुल चालू। तो चार फाटक से पकड़ा गया है, मैं आरटीओ ऑफिस जा रहा था तो उतने में आरटीओ ने मेरे पकड़े। तो मैंने उनको बोला, सर मैं आरटीओ जा रहा था, मेरे को कागज कंप्लीट करवाना है। तो सर ने माने नहीं और वो सीधा थाना ला लिए। अब सर कोरोना काल में देखिए कि 2 साल तक के हमने ऑटो नहीं चलाए, और उस बीच में हम लोग हमारे कागज का एक्सपायर हो गए। जो भी है, मुख्य न्यायाधीश से यही अपील है कि हमारे को थोड़ा राहत दिए, और राहत देने के साथ साथ में हमारा परिवार इस कारण रुका हुआ है, यानी कि भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो हमको थोड़ा सा राहत दे दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार शातुले है। कागज कंप्लीट।